विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में राजनीति को पढ़ाने का काम करती हूँ। उसे मैं काम ही कहूँगी, बेसिकली रोजी रोटी के लिए। जैसे आप अलग अलग विभागों में काम करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम करते हैं। मैं आज यहाँ पर हूँ मात्र और मात्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से। शायद मेरा कोई वजूद नहीं है और नहीं होता, और आज भी असंख्य बेटियों का कोई वजूद नहीं होता यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते। आज हम अपनी बात को रखने के लिए एक जगह सम्मिलित हुए हैं, संगठित हुए हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, सक्षम बनो, संगठित रहो। शिक्षित पहला शब्द था, क्योंकि उनका मानना था कि मात्र मात्र हम जिस धरातल के अंदर हैं, उस धरातल से ऊपर आने का एक ही और एकमात्र रास्ता है, वो शिक्षा है। क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को खुद जीवंत किया था, उन्होंने अपनी शिक्षा के आधार पर ये साबित कर दिया था, ना मात्र देश में, भारतवर्ष में, उन्होंने पूरे विश्व में साबित कर दिया था कि शिक्षा कभी किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की मोहताज नहीं होती है। यदि आप ठान लो तो आप बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आज जो ये तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर विकृत हो चुकी है, उस तस्वीर में हमारे संघर्ष का रंग भरना बाकी है। यदि हम सक्षम नहीं होंगे, नौकरियां मिलने से हम सक्षम नहीं होंगे, हमें अपनी बुद्धि के अंदर सक्षमता को लाना पड़ेगा। आज भी हम उसी दास प्रथा के गुलाम हैं। मैंने कहा दास प्रथा के गुलाम हैं, जो सदियों सदियों से इस समाज में दी गई। जब समाज का निर्माण हुआ तो इस समाज को वर्गों में विभाजित किया गया, और ये माना गया कि जो व्यक्ति जो कार्य करेगा उसका वह वर्ग निश्चित हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वह वर्ग था जो मेहनत कश काम करता था। आज की डेट में भी कुछ मुट्ठी भर लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी सुख और सुविधाएं हैं, और संख्या में बहुत ही बहुत ज़्यादा लोग, 85% से भी ज़्यादा लोग आज भी अपने दो टाइम की रोटी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। वो एक अपने आप में एक विडम्बना वाली बात है कि हमें संविधान में कहा गया कि हम भारत के लोग, उसमें कतई नहीं कहा गया कि हम ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र। जब किसी जाति की बात नहीं कही गई तो हमारे बीच में वह जाति व्यवस्था कहाँ से आ गई। निरंतर निरंतर उस जाति व्यवस्था कार्य कर रही है, और उस जाति व्यवस्था के हम, आप, हम सब यहाँ उसको ढो रहे हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। टीचर हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिससे निकल कर कोई नहीं जाता, क्योंकि राजनीति सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होती या विधानसभा में नहीं होती, राजनीति हर व्यक्ति के घर में, कार्यालय में, हर जगह होती है। और हम भ्रमित रहते हैं उस राजनीति से। आज की डेट में हमें लोकतंत्र के अंतर्गत फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल के कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने इस डेमोक्रेसी को अपनाया, और 1947 के बाद 1950 में हमने B.R. अंबेडकर जी के हाथों द्वारा संविधान को ऐसा स्वरूप हमने पाया कि शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं था। संविधान के विषय में ऐसा भी कहा गया कि बाबा साहब ने कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा जैसा संविधान बना दिया। लेकिन समझने वाली बात है कि कहाँ कहाँ की ईंट लगाई, कहाँ कहाँ का रोड़ा लगाया, अर्थात हर देश की जो बेस्ट टू बेस्ट
पॉलिसी थी, हर देश की जो सबसे बेहतरीन उम्दा जो स्पेशलिटी थी उस संविधान की, वो स्पेशलिटी उन्होंने भारत के संविधान में दी, क्योंकि वो जानते थे कि भारत अपने आप में अनूठा देश है, भारत अपने आप में ऐसी विविधताओं का देश है जहां पर हर कोस पर एक बोली बदल जाती है, एक सभ्यता बदल जाती है, एक संस्कृति बदल जाती है, रहने का तरीका, बोलने का तरीका बदल जाता है। ऐसी स्थिति में हम सामाजिक समानता की बात कैसे कर पाएंगे? इसलिए हमें सबसे पहले मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत सबसे पहला अधिकार जो हमें दिया गया वह अधिकार राइट टू इक्वालिटी का था, समानता का अधिकार था। फिर कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। प्रारंभ में 7 अधिकार थे, आगे जाके 6 अधिकार हो गए, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट में कन्वर्ट हो गई। ये बहुत सारी चीज़ें समझने वाली बात है कि हमें राइट तो दे दिए गए, लेकिन कितने मेरे भाई बंधु इन अधिकारों के बारे में जानते हैं? महिलाओं को अधिकार है, लेकिन महिलाएं नहीं जानती हैं कि उनके क्या अधिकार हैं। महिलाओं को बहुत सारी स्थितियों में उनको प्रिविलेज दिया गया, लेकिन कुछ मुट्ठी भर अगर उसका इस्तेमाल कर लें तो ये कह देते हैं कि महिलाएं तो बागी हो गई हैं, सर पे चढ़कर बैठ गई हैं। वैसा ही कुछ अभी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलित झूठी आरोप लगाते हैं, ज़्यादातर जो 80% जो रिपोर्ट्स होती हैं वो झूठी होती हैं, और इस वजह से बेगुनाह जो 20% होते हैं वो फंस जाते हैं। अभी समझने वाली बात है कि 85% जो हमारी जनसंख्या है वो फॉलोअर है, वो लीड नहीं कर रही है। और आज भी जैसे मेरे बंधु भाई एडवोकेट ने कहा कि सिर्फ वो ये जानते हैं कि हमने केस कर देना है, हो गया तो हो गया, 5,000 मिल दे दिए, वो किसके पास इतना समय है हमारे कि सिर्फ एक ही जॉब के लिए 100% रिजर्वेशन दिया कि वो तो स्वीपर में होना चाहिए। अब उसके कितना इतना दुस्साहस हो सकता है कि उसके सुपरवाइजर को वो झूठी कंप्लेन करेगा? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? और होता भी नहीं है। और वो मुट्ठी भर लोग, मात्र 15% 22% जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने तो आतंक मचा के रखा है, क्योंकि हमने अपने अधिकारों के प्रति सजगता दिखाना शुरू किया, और वो सजगता दिखाते मात्र मुट्ठी भर लोग हैं। वो सजगता भी हमारे मुट्ठी भर ही लोग दिखा पा रहे हैं। आज भी कितने लोग हैं वो इस साहस कर पाते हैं कि अपने ऊपर हुए शोषण को वो कह सके कि मुझ पर शोषण हो रहा है? अगर ऐसा कह पाते तो शायद, अगर ये प्रथा होती तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जरूरत नहीं हुआ करती, क्योंकि जरूरत थी पर ऐसा नहीं होता था। और आंतरिक रूप से इस प्रताड़ना का शिकार लगातार वर्ग होते हैं, इस वजह से इस अधिकार की जरूरत पड़ी। और आप ये देखिए 1989 में ये बात आती, अधिनियम आता है, और 90 में जाकर कहा जाता है कि चलो जी, ऐसा पाया गया कि अधिकतर ज्यादातर आप देखिए 1950 और 90 के बीच में कितने साल, 1950 और 90 के बीच में कितने साल, 40 साल तक प्रताड़ना पुनः लोकतंत्र में सहने के बाद ये सरकारों को महसूस होता है कि नहीं जी, अत्याचार अभी भी हो रहा है। हो तो पहले से ही रहा था, लेकिन 40 साल लग जाते हैं उनको ये स्वीकार करने में कि चलो एक एक्ट बना देते हैं कि ये भी अपनी कोई कंप्लेन कर सके और उसका न्याय संगत न्याय मिल सके, उनको भी भरोसा हो सके कि हमारे ऊपर भी कानून है, नहीं तो न्यायालय, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारे उच्च वर्गीय बंधुओं के लिए ही उनके घर की देवी या कुल देवी जैसा बन गए, जो सारी कृपा उन्हीं पर करते हैं। जो ईश्वर है वो सिर्फ अमीर को अमीर करता है, गरीब को गरीब करता है, तो सारी कृपा उन पर ही हो रही है, हमारे भाई बंधुओं के ऊपर कोई कृपा नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उत्पीड़न को सहना ये बहुत ज्यादा भयावह हो गया था। और उसके बाद 2018
2014 से 2018 में लगातार, ऐसा नहीं है कि उत्पीड़न बंद हो गया उसके बाद, लेकिन संख्याएं कितनी थी। कम से कम हमें भरोसा हो गया कि हम एक अप्लीकेशन लिख के कंप्लेन करके कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमारा वो भ्रम भी तोड़ दिया। ये एक भ्रम था, ये कंप्लेन करना, ये एक्ट मेरे अनुसार एक भ्रम मात्र था कि हम एक कंप्लेन कर रहे हैं और उस कंप्लेन में सुनवाई होगी लगातार, कोई ना कोई हमें न्याय देगा। लेकिन समझने की जरूरत है, आंकड़े आपके सामने, आप सर्च कर सकते हैं कि कितने परसेंट कंप्लेन हुई और कितने परसेंट उनमें सुनवाई हुई और कितने परसेंट लोगों को कितने परसेंट लोगों को न्याय मिला। आप सर्च कर सकते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द नेट, बिकॉज प्रेजेंटली वी आर द पीपल ऑफ द सोशल मीडिया .. राइट, एंड वी आर वेरी मच अवेयर द काइंड ऑफ दिस थिंग, चाहे वो वायरल हो। सर ने वायरस जैसी बातें की, मुझे लगता है कि हम खुद की बीमारी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये मेरा ओपिनियन है और मैं, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं सहमत करेंगे कि हम आज अपने उत्पीड़न के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब लोकतंत्र, संख्या का लोकतंत्र होता है, और लोकतंत्र को किसी ने भीड़ तंत्र भी कहा था, और लोकतंत्र में एक वोट आने से, ज़्यादा आने से सरकार बनती है, और एक वोट नहीं मिलने से सरकारें गिर जाती हैं, तो फिर हमारे भीड़ ये निश्चित क्यों नहीं करती, ये हमारे लिए निर्णय होंगे। आज की डेट में तकरीबन, हो सकता है मेरा आंकड़ा इफ एंड बट हो, कुछ आगे पीछे होगा, 137 139 हमारे समाज के दलित सांसद और विधानसभाओं में और जहां पर भी हमें इसका मौका मिला वहां पर हैं, और वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों। क्या वो अपने समाज से संबंध नहीं रखते? जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे समाज से हूँ, तुम मुझे वोट दो। और हमारे जैसे बेवकूफ लोग, हम उन्हें वोट देते हैं कि ये हमारे लिए काम करें। और जैसे ही संसद में, विधानसभा में विधायक जी बनते हैं, संसद जी बनते हैं, उसके बाद वो किसी को नहीं सुनते हैं। उसके बाद तो यदि आप बगले पे चले जाइए तो उनका काला कुत्ता भौंक कर भगा देगा आपको। आप मिलने के लिए भी आपको एक लंबा इंतजार करने की जरूरत होगी। आप भले ही किसी भी विभाग से, कहीं से भी संबंध रहे, अब छोटे से काम के लिए जाए तो नहीं मिलेंगे, उपलब्धता नहीं है। बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन जिस समाज के लिए, छोटे से समाज से निकल कर आए और छोटे से समाज के लिए कुछ करना था, वो छोटे से समाज के लिए वो 5 साल बाद पुनः अवेलेबल हो जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? सांसद की बात की, मैं बड़ी ही गौरवान्वित हूँ कि दलित हमारे राष्ट्रपति, महामहिम हमारे दलित समाज से आते हैं, हमें बड़ा गर्व है। ऐसे तो संविधान निर्माण हमारे दलित ने किया, संविधान निर्माण हमारे दलित ने किया, और बहुत सारे जितने भी ग्रंथों का निर्माण किया वो भी हमारे दलित ने किया। बड़े बड़े जितने काम किए वो सारे हमारे दलित ने किए। अगर थोड़ा सा मौका मिला तो, थोड़ा सा, उस भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए बेचारा निकला है, और तब भी उसने परचम को लहरा दिया। परचम कैसा? स्वाभिमान का परचम, अभिमान का परचम। और आप ये आंकड़े देख लीजिए कि बहुत सिलेक्टेड जगहों पे हैं हमारे बंधु, लेकिन वो बड़ा ही अपना, वह अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन ये बड़े स्थान की क्या हमें जरूरत है यदि हमारे समाज के सामान्य गरीब के पास वह सुविधा ना पहुंच सके? आप ये बता सकते कि कितने मेरे भाई बंधु, मेरे बच्चे आरक्षण ले पाते? आरक्षण का मतलब है, पहले 5वीं करो 10वीं करो 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन गेन करोगे, देन आफ्टर यू विल गेट द रिजर्वेशन।
क्या घर में जाके रिजर्वेशन उसके घर में रोटी दे रहा है? तब भी इतना बड़ा बवाल कि रिजर्वेशन, सब तो रिजर्वेशन ले लिया, सब तो दलितों ने ले लिया, सब तो दलितों ने ले लिया। ये समझाने की जरूरत है कि दलितों के पास सिर्फ 22% है, 22% है, 27% ओबीसी में है, और सारा कुछ किसी भी तरीके का मिला के 49.5% है, और 50.5% वो 22% के पास है। और तब भी आप लिस्ट देखें, उन लिस्ट में सब जनरल होंगे, सात या टोटल मिला के 49 हमारे रिजर्वेशन से होंगे, उस पर ये कहता है कि सब कुछ इन्होंने ले लिया। सब कुछ हमें कहाँ मिला है? हमें तो कुछ भी नहीं मिला है। और बी आर अम्बेडकर ने डेफिनेटली ये कहा था कि 10 साल बाद आप खत्म कर सकते हो, लेकिन 40 साल बाद तो हमारे उत्पीड़न के बारे में कोई एक्ट बनता है। 1950 में कहा था कि 10 साल बाद खत्म कर देना, और 1990 में जाकर इस एक्ट को क्रियान्वित किया जाता है। जॉब्स की बात है, भाई ने ये कहा कि कंपनी एक्ट, हम प्राइवेट में जाएं, हमें सरकारी में तो था, लेकिन हमारे लोग कहाँ पढ़े लिखे थे? आज भी विद्यालयों में उन्हें जाने नहीं दिया जाता। जब पढ़ेंगे नहीं तो रिजर्वेशन क्या खाक लेंगे? आज भी वो बैकलॉग इस वजह से था क्योंकि वो पढ़े लिखे आए नहीं। कॉलेजों में एडमिशन में जब करती हूँ तो वो एससी बच्चे नहीं आ पाते, तो वही सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं, और एससी की अगर प्रोफेसर की सीट होती है तो वो जनरल के दो को रख लेते हैं अडॉक पर, जिससे कि वो जनरल वाले पढ़ाए, एक एससी परमानेंट ना हो पाए। और ऐसा हर जगह होता है, हर डिपार्टमेंट में। हम बहुत देखिए, कभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई पूरी 100% पॉपुलेशन ने नहीं लड़ी थी, मानते हैं आप इस चीज को? गांधी जी चले या हमारे क्रांतिकारी चले, उनके पीछे कुछ और लोग चले, और एक भीड़ और एक बरपा और एक मानसिकता आगे चली, और वास्तव में 1947 में 200 साल की गुलामी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। तो क्या हम स्वतंत्रता की मांग अपने संघर्ष से नहीं कर सकते? क्योंकि अम्बेडकर जी ने भी कहा कि संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। आपको क्या लगता है ये मनुवादी लोग आपको आपके अधिकार लेकर बैठने देंगे? आज भी मेरा भाई यदि आईएएस ऑफिसर बन जाता है, मेरी बहन अगर प्रिंसिपल बन जाती है, तो उसकी पीठ पीछे, आई एम सॉरी, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है कि ये तो इसलिए है इसलिए ये इसको रिजर्वेशन मिला है। मैं ओपन चैलेंज करती हूँ उस जनरल कैटेगरी से कि मेरे बंधुओं को समान तरीके से वो सुविधाएं दिया जाए कि बच्चा ट्यूशन भी नहीं ले पाता। आज की एजुकेशन सिस्टम इतनी खराब है, मैं एजुकेशन फील्ड से आती हूँ, और कितनी मशक्कत करके बच्चे को पढ़ने को दिया जाता है, लेकिन तब भी वो अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करता है, और तब भी उसको सबसे नीचे रख दिया जाता है। आप समान, आप जीएसटी लाते हैं, एक देश एक टैक्स, आप शिक्षा एक जैसी कर दीजिए, सबको एक समान दे दीजिए, प्राइवेट स्कूल बंद कर दीजिए, सरकारी, मैं सरकारी टेंथ वाले स्कूल की पढ़ी हुई लड़की हूं, जब मैं पढ़ती थी तो पैर पैर भर तक पानी भर जाया करता था बारिश में, मैं तब भी 100% स्कूल जाया करती थी, कि मेरे पिता ने कहा था कि बेटा आगे बढ़ना है तो शिक्षा ग्रहण करना है, और मैं पूरे खानदान की इकलौती पढ़ी हुई, इतनी इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी चीज़ें ली हैं, 22 पेज का मेरा बायोडाटा है, और बहुत ही कम उम्र में किया मैंने, हर वो चीज़ को साबित कर, हर चीज़ को साबित करने की कोशिश की। मिरांडा हाउस से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, हिंदू कॉलेज से एमए किया है, एमफिल पीएचडी इटसेल्फ इन एवरीथिंग इन ऑल, एंड परफॉर्म वेल, कि हम किसी से कम नहीं है, जनरल वालों को बीट किया। क्योंकि हमारे डिग्निटरीज यहाँ पर आ गए हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली देर इज सम ऑफ द पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, ये तो शुरुआत हुई है, ये तो शुरुआत हुई है, अभी गर्मी आना बाकी है, तो मेरी बातों में अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है, वो जो मैं कहना चाहती हूँ, एंड डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच।